लैंग्वेज uh, डेवलपमेंट के बारे में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स हैं जो बताते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है उसके पीछे क्या फोर्स जो है कारमा हैं एंड देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स दैट मोस्टली टू मेजर फैक्टर्स बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो uh, बहस काफ़ी बड़ी है और काफ़ी लंबी इसके ऊपर जो है वो एक्सप्लेशन जो है मुख्तिक स्कूल ऑफ थाट्स और मुख्य थेरिस्ट ने दी और लैंग्वेज uh, डेवलपमेंट के बारे में जो पर्सपेक्टिव है द नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव, ये कहते हैं कि चिल्ड्रन uh, जो हैं ये इन बॉर्न एबिलिटीज़ के साथ दुनिया में आते हैं और uh, उनकी जो जिस तरह से एक नेचुरल उनकी ग्रोथ होती है और ग्रोथ के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से जो है उनको ये सलाह दी गई है कि अगर वो जैसे जैसे उसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो ग्रो करते हैं फिज़िकली ग्रो करते हैं मैंटली ग्रो करते हैं इमोशनली ग्रो करते हैं सोशली ग्रो करते हैं और कोई ख़ास जो है उनको इस बारे में स्कूलिंग या ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती ये नेटिविस्ट परस्पेक्टिव है ये कहते हैं कि लैंग्वेज सीखने का अमल जो है ये भी एक बॉर्न एबिलिटी के साथ चलता है जिस तरह ह्यूमन की बाकी डेवलपमेंट हो रही होती है इसी तरह से लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रही होती है और इसमें ये कहते हैं कि Um, people are made to learn everything, and uh, language is also included in this perspective. That if they are learning uh, how to uh, move in the society and how to uh, eat, how to run, how to walk, how to uh, behave with others, then uh, environment is also responsible. But the biological perspective that they are talking about—that uh, people always you uh, behave. एकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज़ दैट दे गेट थ्रू दर जीन्स यहाँ पे भी uh, जैसे एक uh, थेरिस्ट है नॉम चोस्क इज़ द मेन स्कॉलर कनेक्टेड विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू ही रिकमेंडेड दट पीपल कंटेन अ लैंगवेज एक्जिशन डिवाइस इसका मतलब ये है कि uh, बच्चे जो हैं वो एक uh, प, अपनी बर्थ के साथ ही एक डिवाइस अल्लाह ताली की तरफ से उनके अंदर एक फिक्स है जिस तरह से हर चीज़ समझने की लर्न करने की एक बच्चे के अंदर जो है वो सलाहियत होती है और जैसे जैसे मेचोरिटी आती है वैसे वैसे उसकी जो सलाहितें हैं वो उभर कर सामने आते हैं इसी तरह से लैंग्वेज डेवलपमेंट है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की एक खासियत या एबिलिटी उसके अंदर है ग्रो करने की तो लैंग्वेज जो है ठीक है जो बोली जा रही होती है वो जो भी ज़ुबान बोली जा रही होगी उसमें बच्चा जब लर्न करना शुरू करता है जब वो हेयर करता है फिर वो स्पीक करता है सो हेयरिंग एंड स्पीकिंग बोथ आर कनेक्टेड so uh, uh, if we observe uh, in our environment then the deaf and dumb people because they they can't hear so they can't speak sometimes this is very strong connection तो so, यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि लैंग्वेज development के लिए जो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी हमारे अंदर एक लर्न uh, करने की सलाहियत रखती है हम language उस सलाहियत के साथ जो है वो लर्न करते हैं environment इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लरिशिंग द लैंग्वेज लेकिन मेन चीज़ जो इंसान के अंदर है वो लता एक चिप रखी है या एक डिवाइस रखी है लैंग्वेज को लर्न करने के लिए लैंग्वेज को ग्रो करने के लिए अब uh, वो जो आपकी इनेट एबिलिटीज़ होती हैं उसकी मदद से uh, बच्चा अपनी उन तमाम सलाहितों को अमल में लाता है और वो लैंग्वेज लर्न करने की तरफ आता है इट इज़ कम्प्राइज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स विद परमिट दिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द प्रिसिपल्स ऑफ लैंग्वेज अब लैंग्वेज के जो लर्न करने का कानून है कि उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं जिसमें ग्रामर जो है वो प्राइम इम्पॉर्टेंस है उसकी और अगर किसी को ग्रामर जो है वो उसको पता है किसी लैंग्वेज का तो वो बड़ी अच्छी तरह से उस लैंग्वेज के वर्ड्स के मीनिंग्स उसकी, उसकी, उसकी जो उसकी फोनिक्स हैं उसकी जो जितनी भी उसकी फिनोमिनोलॉजी वाला पर्सपेक्टिव है वो बड़ी अच्छी तरह से जल्दी समझ जाता है अगर आपको उसके ग्रामेटिकल रूल्स पता नहीं हैं और आपको ये पता नहीं है कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है या उर्दू है वर्ब क्या होता है और उसकी एडवर्ब क्या होता है और हम किस तरह से एडजेक्टिव ऐड कर सकते हैं प्रीफिक्स कैसे है इसी तरह से आ, ये सारी चीज़ें एक लैंग्वेज को स्ट्रॉग करने के लिए जो है एलिमेंट्स बड़े ज़रूरी होते हैं तो ये सारी चीज़ें बच्चा अगर इन्वामेंट में आके उसको पता चलता है कि ये फोनिक्स है नाम क्या है वो उन तमाम चीज़ों के जो लैंग्वेज सीखनी है वो सीखने की सलाहियत उसके अंदर अल्लाह ताला ने रखी है और सीखने के लिए जैसे हम कई फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक तो अभी एबिलटीज़ नेटिव जो पर्सपेक्टिव वाला वह वा आदमी है वो ये कह रहा है कि हम हमारे अंदर इेट एबिलिटी की मदद से हम इन्वायरमेंट को इन्वॉल्व करते हैं और अपनी उन उनट एबिलिटीज़ को जब हम प्रैक्टिस करते हैं अपने इन्वामेंट में तो फिर हम अपनी लैंग्वेज को इस तरह से लर्न करते हैं सो so, Uh, th this perspective always, you know, educate to learn language with your innate abilities, and uh, it is not fully recommended the environmental part. But it is uh, in the view that when the person has the ability to learn, then if the environment is involved to help to practice these abilities, then both will work together, and the child will learn the language in a in an efficient way.